दोस्तों जब वीडियो स्टार्ट कर ही रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई प्रूफ देख लो कि मुझे इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा मुझे यहाँ पे 14,500 का मुझे यहाँ पे लोन ऑफर करा है। और सबसे मजेदार की बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि यह जो मुझे 14,500 का लोन ऑफर करा है दोस्तों ओनली फॉर पैन का आधार कार्ड से, यानी कि मैंने अपने पैन का आधार कार्ड से KYC कंप्लीट किया और मुझे यहाँ पे बता दिया गया कि मैं यहाँ से 14,500 का लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ। तो आप भी ओनली फॉर KYC करके लोन लेना चाहते हो दोस्तों, यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको ओनली फॉर KYC करके लोन मिलता है। तो मैंने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे यानी कि दोस्तों ऐप लिंक देखने को मिल जाएगा, अब जैसे वहां पे लिंक पे क्लिक करोगे दोस्तों सीधा डायरेक्ट प्ले स्टोर पर हो जाओगे और वहां से आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें कैसे लोन अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सभी कुछ हम आज की वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा फर्स्ट टाइम इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे फिर आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ गया दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो गेट स्टार्टेड का नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ से आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके चेकबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इस लोन एप्लीकेशन के यहाँ से परमिशन दे देना है। तो यहाँ आप देख सकते हो लगातार आपके सामने अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से वो अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इस लोन एप्लीकेशन के यहाँ से परमिशन दे देना है। उसका दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे वो पहले ही बता दिया जाता है कि 5 मिनट के अंदर में आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर मैक्सिमम 45,000 तक आप यहाँ से लोन ले सकते हो और वो भी ओनली फॉर KYC करके। तो दोस्तों अब आपके साथ लोन अप्लाई करने के लिए करना क्या पड़ेगा, नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो यहाँ से वो लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना, यहाँ पर देख सकते हो मेरा मोबाइल नंबर इंटर कर दिया है। उसके बाद नीचे आ जाएगा सेंड OTP, तो यहाँ सबको सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आज आप सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसका दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा और ऑटोमेटिक यहाँ से फिलअप ले लेगा। उसका दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखो मिलेगा एग्री का, तो यहाँ सबको एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फिर से लोन एप्लीकेशन के से परमिशन दे देना है। जैसे वहां से आप फिर से परमिशन दे दोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप के इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना करेंट स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो करेंट स्टेटस में आप हो क्या, तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो यानी कि दोस्तों अगर आपका एज 18 साल है और आप एक स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आता है IAM स्टूडेंट, तो यहाँ से आप स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड पर्सन भी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो सेल्फ एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वह एक सैलरीड पर्सन है, तो मैं यहाँ से सैलरीड पर्सन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे वो कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसका दोस्तों मैं यहाँ से सैलरीड पर्सन सेलेक्ट किया हूँ दोस्तों, तो यहाँ से आप मुझे पूछा जा रहा है कि आपका जो मंथली इनकम आता है वह आपके बैंक अकाउंट में आता है वो आपको कैश या चेक मिलता है, तो वो सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। यहाँ से मेरा बैंक अकाउंट में आता है, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके नीचे में ऐसे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो मैं ऐसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव रेफर कोड, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके यहाँ पे रेफर कोड इंटर करने के लिए, लेकिन दोस्तों आपके पास रेफर कोड होगा ही नहीं दोस्तों, आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आई डोंट हैव ए रेफर कोड, तो यहाँ से आपको आई डोंट हैव ए रेफर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसका दोस्तों अब आपके यहाँ से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, लैंग्वेज यहाँ पे वो काफी सारा देखने को मिल जाता है, तो आप जो भी लैंग्वेज चाहो वो लैंग्वेज यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी मिल जाता है यहाँ पे, काफी सारा लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई सा भी लैंग्वेज यहाँ से नहीं सेलेक्ट करना है दोस्तों, तो यहाँ से आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो आपका इंग्लिश ही लैंग्वेज यहाँ से रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं ऐसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे दोस्तों वहां से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पे मेरा लोन अप्रूवल हो चुका है, लेकिन दोस्तों यह फाइनल लोन अमाउंट नहीं है दोस्तों, यह बस गेस किए हैं कि मैं ऐसे 20,000 तक का मैं ऐसे लोन मैक्सिमम ले सकता हूं। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पे आपको 4 स्टेप यहां पे फॉलो करना है। तो 4 स्टेप में आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला KYC वेरिफिकेशन यहां से करना है, उसके आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहां से कंप्लीट करना है, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन यहां से कंप्लीट करना है, एंड आपको सेल्फी वीडियो यहां से कंप्लीट करना है। तो आपको दोस्तों ये 4 स्टेप करने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आता है KYC वेरिफिकेशन, तो यहाँ से वो KYC वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से KYC वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर इंटर कर लीजिएगा, उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपने आधार कार्ड यहाँ पे नंबर इंटर कर देना है, नीचे यहाँ पर देख सकते हो कि इंटर 12 डिजिट का यहाँ पर आधार कार्ड नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ आता है वेरीफाई OTP, तो यहाँ से वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। उसका दोस्तों अपने आधार कार्ड का यहाँ पर फ्रंट फोटो अपलोड कर देना है, आपको बैक साइड का फोटो अपलोड करके नीचे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से को सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं सबमिट वाले यानी कि दोस्तों सभी डिटेल्स यहाँ पे इंटर करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अपना KYC वेरिफिकेशन यहाँ से कंप्लीट कर लेता हूँ। उसका दोस्तों फिर यहाँ सब आप आ जाओगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देना क्या पड़ेगा, तो बेसिक डिटेल्स, तो बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम इंटर कर लीजिएगा, उसका दोस्तों अपना मिडिल नेम यहाँ पे इंटर कर देना है, लास्ट नेम यहाँ पे इंटर करके जनरल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना
मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि दोस्तों आपके पैन कार्ड में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वह डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेट में आप सिंगल हो या मैरिड हो वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन यानी कि दोस्तों आप कहाँ तक पढ़े लिखे वो सेलेक्ट करके नीचे वो नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ सबको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से फिलअप करके मैं ऐसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे उसका दोस्तों आपको यहाँ से जो इम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों यहाँ से आपको इम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देना है। तो दोस्तों अगर आप वहाँ से अगर सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे अपने कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है, आप कौन से कंपनी में जॉब करते हो वो टाइप कर देना है। उसके बाद आपका ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे इंटर कर देना है, आपका ऑफिस जहाँ है वहाँ का उस एरिया का जो भी पिन कोड होगा वह पिन कोड यहाँ पे इंटर कर देना है। उसका टाइप ऑफ वर्क यहाँ पे मतलब डाल देना है कि आप फुल टाइम जॉब करते हो या पार्ट टाइम जॉब करते हो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका दोस्तों यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जॉब मतलब कौन सा जॉब है वो अपने सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका दोस्तों ईयर ऑफ मतलब वर्क एक्सपीरियंस तो दोस्तों आप कितने साल से जॉब करते हो वो यहाँ पे सेलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसका दोस्तों आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पे अपना एक सेल्फी अपलोड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना एक सेल्फी अपलोड कर दिया। दोस्तों सेल्फी आपको लाइट वाले जगह पे जाकर क्लियर एक अच्छा से यहाँ पे सेल्फी अपलोड कर देना है। सेल्फी अपलोड करने के बाद नीचे वो सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं सबमिट कर लेता हूँ। जैसे वहां से आप सबमिट कर लोगे उसका दोस्तों आपको लोन ऑफर बता दिया जाएगा यानी कि दोस्तों पेन कार्ड आधार कार्ड के बेस पर आपको बता दिया जाएगा कि आप ऐसे कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल। दोस्तों आप देख सकते हो कि पहले बताया था 20,000 तक का मैं ऐसे लोन ले सकता हूं लेकिन दोस्तों वो अनुमान लगाते लेकिन दोस्तों अभी मेरा फाइनल लोन ऑफर आ गया हुआ है। मैं यहाँ से 14,500 का लोन लेने के लिए एलिजिबल हूं जो यहाँ पर भी आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आता है सेलेक्ट द लोन टाइप। तो दोस्तों आप मतलब वन टाइम में पेमेंट करना चाहते हो ईएमआई के साथ मतलब पेमेंट करना चाहते हो तो दोस्तों अगर आप वन टाइम अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो दोस्तों तो आपको एक महीना के अंदर में ही आपको पूरा रिपेमेंट यहाँ से करना है। अगर आप ईएमआई यहाँ से सेलेक्ट करते हो दोस्तों तो यहाँ पे वो 3 महीना 4 महीना 6 महीना के अंदर में आपको 14,500 यहाँ पे रिपेमेंट करना है। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो दोस्तों तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप यहाँ से ईएमआई वाला सेलेक्ट करके रिक्वेस्ट लोन का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ सबको रिक्वेस्ट लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। तो चलिए दोस्तों मैं ईएमआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं ऐसे रिक्वेस्ट लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहाँ से आप ईएमआई सेलेक्ट करके रिक्वेस्ट लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अपना लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेना कि आपको कितना लोन अमाउंट का जरूरत है। दोस्तों मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनको बस और 6,000 के लोन की अमाउंट की जरूरत है तो मैं 6,000 लोन उनका सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना मतलब 10 ओवर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको कितना महीना के लिए लोन चाहिए। दोस्तों चलिए मैं 10 ओवर भी यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसका दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब आपको लोन का डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो 6 मंथ मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, 6,000 का मैं लोन ले रहा हूँ, 6 महीना के लिए यहाँ पे मैं लोन ले रहा हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो 6,000 मैं यहां से अगर लोन लेता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पे मुझे 729 यहां पे लग जाएगा और यहां पर आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में जहां भेजा जाएगा 5271 रुपए मेरे अकाउंट में यहां से भेजा जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, मुझे जो रिपेमेंट करना 6 महीना में कितना करना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आपको इस लोन अमाउंट को लेने के लिए वो करना क्या पड़ेगा, नीचे आपको रिक्वेस्ट लोन का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो यहां से आपको ऐसे रिक्वेस्ट लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से आप रिक्वेस्ट लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसका दोस्तों आपको ऐड बैंक अकाउंट वहां पे ऑप्शन देखने को आ जाएगा। दोस्तों वहां पे अपना अकाउंट का नाम इंटर कर देना है, अकाउंट का नंबर इंटर करके आईएफएससी कोड इंटर कर देना है। उसका दोस्तों वहां से वो वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों मैंने पहले से ही कर रखा था, दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो मेरा सभी डिटेल्स यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप इस लोन एप्लीकेशन लोन अप्लाई करते हो दोस्तों वहां पे आपको अपना बैंक अकाउंट वहां पे ऐड करना पड़ जाएगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो मैं बैंक अकाउंट यहां से ऐड है। उसका दोस्तों मैं अपना वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट से वेरीफाई कर लेता हूं। उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आएगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि आपका अकाउंट नंबर यहां पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर यहां पे पूछा जा रहा है कि इसी बैंक अकाउंट में क्या आप ये पैसा लेना चाहते हो। दोस्तों अगर आप इसी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो दोस्तों आपको चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से वो कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से आप कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसका दोस्तों आपको अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्यों लोन लेना चाहते हो, यानी कि दोस्तों आप जो लोन अमाउंट जो ले रहे हो वो मोबाइल रिचार्ज मतलब मोबाइल रिचार्ज के लिए लेना चाहते हो, एंटरटेनमेंट के लिए लेना चाहते हो, शॉपिंग के लिए, फूड के लिए, अदर के लिए। तो दोस्तों मैं बोलूंगा कि आप यहाँ से अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अदर सेलेक्ट करके मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे वहां आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे वो 4 चेकबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको इन 4 चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे आपको आई एग्री का जो ऑप्शन देखने मिलेगा तो यहां सबको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वहां से आप आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसका दोस्तों देख सकते हो कांग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ चुका है, मेरा यहां से लोन अप्रूवल हो चुका है। दोस्तों उसका नीचे आपको व्यू कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहां से व्यू कॉन्ट्रैक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसका दोस्तों फिर आपके सामने इस लोन एप्लीकेशन का लोन एग्रीमेंट यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों लोन एग्रीमेंट यहां से आपको साइन करना है तो लोन एग्रीमेंट साइन करने के नीचे आपको एग्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहां से एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस लोन एप्लीकेशन यानी कि दोस्तों इस लोन एग्रीमेंट को यहां से साइन कर लेना है। जैसे वहां से आप लोन एग्रीमेंट साइन कर लोगे उसका दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कि आपके मोबाइल नंबर
पे एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आए एंटर करके नीचे आता है कन्फर्म ट्रांसफर, तो यहाँ से वो कन्फर्म ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना दोस्तों। ये आपका लास्ट स्टेप है, जैसे जैसे कन्फर्म ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके बैंक में ऐसे अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं ऐसे कन्फर्म ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे वहाँ से कन्फर्म ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसका दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लोन अमाउंट यहाँ पर देखने को आ चुका है, और यहाँ पर देख सकते हो ट्रांजेक्शन अकाउंट यानी कि दोस्तों मेरे बैंक में ऐसे पैसा भेजा जा रहा है और यह अभी अंडर प्रोसेस में, और आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर वो देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको करना क्या पड़ेगा, 10 से 15 मिनट समथिंग यहाँ पे वो वेट कर लेना, यानी कि दोस्तों मैक्सिमम 10 से 15 मिनट यहाँ पे वो वेट कर लेना है, 10 से 15 मिनट के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में से अमाउंट आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से वो 10 से 15 मिनट जैसे ही वेट कर लोगे आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक यहाँ से पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप भी अगर सेम इसी प्रकार से इस लोन अप्लीकेशन के लिए जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इस लोन अप्लीकेशन का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे दोस्तों आप सीधा जाकर सेम इसी प्रकार से इस लोन अप्लीकेशन के लिए जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अगर मान लेते हैं किसी भी कारण अगर आपको इस लोन अप्लीकेशन के अंदर लोन नहीं मिलता है, आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, या अगर आपको लोन ऑफर ही नहीं किया जाता है, तो अब आपको इस कंडीशन में करना क्या पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपका एज मात्र 18 साल है और आपके पास अगर पैन का आधार कार्ड है दोस्तों, और आप ओनली फॉर केवाईसी करके लोन लेना चाहते हो दोस्तों, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक 15 लोन एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप जाकर उन 15 लोन एप्लीकेशन में जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। उन 15 लोन एप्लीकेशन में आपको कोई भी इनकम प्रूफ, कोई सैलरी स्लिप आपको अपलोड नहीं करना है, ओनली फॉर पैन कार्ड आधार कार्ड से केवाईसी करके आप उन 15 लोन एप्लीकेशन में मिनिमम 5,000 का लोन ले सकते हो, और मैक्सिमम आपसे आप 1,00,000 तक का लोन ले सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बस गाइस आज इस वीडियो में इतना गाइस, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।